कृषि मंत्री कमल पटेल देवास के कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने मूंग दाल खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मंत्री पटेल ने किसानों की संतुष्टि के लिए पूरे प्रदेश में फ्लैट कांटे से तुलाई चालू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने किसान से कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर से सीधे देवास के ग्राम ननासा पहुंचे, जहां उन्होंने मूंग दाल खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमल पटेल ने किसानों की उपज की सही तौल को लेकर तौल कांटे का निरीक्षण किया। कमल पटेल खुद एक किसान है, इसलिए उन्हें सभी बारीकियों की जानकारी है। वहीं किसानों ने कहा कि गलत तौल कर उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है, जिसके बाद मंत्री पटेल ने खुद के सामने तौल कराई, जिससे सभी किसान संतुष्ट नजर आए। उन्होंने पूरे प्रदेश में फ्लैट कांटे से तुलाई चालू करने के निर्देश दिए हैं। सही है, पर अगर सुनो, और या तो, और भैया सुनो, जबरदस्ती कोई नहीं, 30 रुपए 30 रुपए चलो कम करवा दो, चलो कम करवा दो, हम वालों से बात करें किसान देखो, और इसलिए मैं किसानों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अपने घर से गांव के मजदूर को मजदूरी दो, खन्ना लगा के लाओ, ताकि यहाँ तुमको 30 रुपए नहीं देना पड़े, वहाँ कितने में हो जाएगा, इसलिए किसान को भी चाहिए कि माल साफ सुथरा रहा। सरकार देखो तुम्हारे खरीद रहेगी, तो कल को माल कितनी जाएगा तो अगले बार कुछ दिक्कत आएगी, 1-2% के कारण 99% लोगों को सबके नुकसान। ये सरकार किसानों की है, तुम्हारी है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अगर हम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदते तो 4,000-5,000 बिकता और हम बेच के आते, मैं भी किसान हूँ। जब से मैं मंत्री बना हूँ शिवराज जी महाराज का, तब से ही हो रही खरीदी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, करी क्या नहीं करे भाषण, कुछ भी दे रहे, स्टेटमेंट कुछ भी दे रहे, करा क्या इन्हें, जमीन 1 रुपया बीमा मिला क्या, नहीं मिला। हमारी सरकार आते थे हमने 27,200 करोड़ रुपए, अभी हम और छोटे किसान जो 1 हेक्टर तक उनका बीमा, उनका बीमा हो जाए तो फसल खराब हो तो उनको मिल जाए, ये भी हम कहा जाते हैं। दिल्ली गया, कृषि मंत्री से मिला, कृषि सचिव से मिला, और अभी कार को बनाना है इंदौर में, यहाँ तो ताकि माल संभाल कर जाए, ताकि किसान को MSP नहीं MRP वाला मिले। जब हम मूंग बेचते हैं शुरू हो गए, लेकिन यहाँ तुमको 1 क्विंटल पर 2,500 को ज्यादा मिलता है। 1 एकड़ के किसान को भी 20,000 रुपए ज्यादा मिलता है, ना 1 एकड़ के किसान को, जो सबसे छोटा किसान है 1 एकड़ वाला, उसको भी 20,000 ज्यादा मिलता है। थोड़ा लेट होगा, तुमने बताइए मार्च या अप्रैल को चुनाव था, चुनाव था उसमें, और दूसरा मेरा कहना है देखो, किसान फसल आती है, ठीक है ना, फसल आई मार्च 2 महीने किसान रोक लो, अब किसान की मजबूरी बेचारे के लिए 100 में से 86 किसान तो छोटे हैं, तो उनको तो खाद भी दवाई घर की किराना सामान बच्चे की भी, तो उसको तो फसल आई नहीं, उसके पहले बेचना पड़ता। अब मंडी में अपन मान लो ये मंडी है, मंडी में व्यापारी है 50 या 100, उनकी क्षमता 2,000 रुपये खरीदने की क्विंटल, और अपन 5,000 माल लेकर जाएंगे, बोली क्यों लगाएंगे, तुम किसान व्यापारी हो तो लगाओगे क्या बोली, नहीं लगाएंगे। मांग और पूर्ति पे भाव रहता है, मांग ज्यादा है पूर्ति कम। कमल पटेल ने वहां मौजूद किसानों से समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर सरकार उनसे फसल नहीं खरीदती है तो करीब 1,500 का किसानों को नुकसान होता है। किसानों ने बताया कि सरकार ने हमारे फसल की खरीदी करके हमारी आय दुगनी कर दी है। कमल पटेल ने किसानों को बताया कि सरकार शीघ्र ही किसानों से मूंग की फसल की खरीदी 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने जा रही है, जिस पर किसानों ने PM और CM का आभार जताया। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।